इसलियो आकल मुबारक बाद दो हमको, चमन में हम भी आए हैं बनाने आशियां अपना। फोन कर दिया है, डॉक्टर भी आता ही होगा। अब कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब, और ये तमाम दवाइयां मिलकर भी अब मुझे नहीं बचा सकती। दीदी, मेरे पास वक्त बहुत कम है और अभी बहुत सी बातें बतानी है तुम्हें। बोलो बोले बोलो। बहुत सी जिम्मेदारियां सौंपनी है। बोलो बोले बोलो। दीदी मुझे डर है ये नन्ही सी गली बिना खिले ही मुरझा न जाए। पिता का सहारा तो पहले ही उठ चुका और अब मैं भी। चिंता मत करो गोरी, अभी तो मैं जिंदा हूं। हाँ दीदी, अब सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है निशा को। इसे इसे अपने सीने से लगा कर रखना अपनी बेटी की तरह। तुम्हारे सिवा कौन है इसका? हाँ। जो इसके पिता की इतनी बड़ी जायदाद की देखभाल कर सके, इसकी इसकी रक्षा कर सके। तुम इतनी चिंता मत करो गौरी। दीदी तुम ठीक हो जाओगी, तुम खुद अपने हाथों से इसकी रक्षा करोगी गौरी। नहीं दीदी नहीं, मेरा तुम घुटा जा रहा है। मुझे वचन दो, मुझे वचन दो कि निशा और ज्योति में कोई फर्क, कोई। हम चिताओं की तरह में गिरे
तक जानते हैं हम तो ये दास्तां, जिंदगी का कारवां हम लेके जाएं कहां, जिंदगी का कारवां मिटेगा रंग का नामो निशान, जिंदगी का कारवां हम लेके जाएं कहां। दीदी, इन सात दिनों में ऐसा लग रहा था जैसे हमारा बचपन वापस लौट आया हो, लेकिन आज तुम चली जाओगी फिर सारा घर सुना सुना लगेगा। दीदी कुछ दिन और ठहर जाओ ना। कैसे रुक सकती हूँ रे, कल से मुझे ड्यूटी रिज्यूम करना है। कितनी बार कहा है मेरे साथ तुम चलो, पर तुम तो मानती ही नहीं। मैं चली जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम क्या इस घर के नौकरानी हो? मुझे मम्मी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं लगती। आंटी के बारे में सब मत कहो। बस 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 बस। तो फिर पिताजी आपने? बेटा ज्ञान, तुम तो जानते ही हो मेरे फैसले अटल हुआ करते हैं। अब असम से बुलावा आ गया है, मेरा जाना जरूरी है। मैं जानता हूं पिताजी, लेकिन ये तो सोचिए आप दिल के मरीज हैं, ऐसे में आपका आश्रम जाना क्या ठीक होगा? बेटा जब सभी मुहिमाएं त्याग दिया तो शरीर का मुंह। अगर आप अपना फैसला नहीं बदल सकते तो मैं भी आपकी सेवा के लिए आपके साथ चलूंगी। मैंने फैसला किया है लोगों की सेवा करने के लिए, सेवा करवाने के लिए नहीं। पिताजी, भैया की शादी तक भी क्या आप अपने फैसले को नहीं बदल सकते? बेटी, ज्ञान अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। तुम्हारी चिंता थी सो तुम्हारी शादी हो ही गई है। और माँ? उसके लिए तो तुम हो। बेटा कल सुबह होते ही मैं घर छोड़ दूंगा, तुमसे कुछ बातें करनी है, आओ। चलो माँ खाना खा ले। नहीं बेटा तुम खा लो, मैं तुम्हारे बाबूजी के आने के बाद खाऊंगी। माँ भूल हो गई, न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे वो अभी थके हारे आएंगे और आके खाना मांगेंगे। माँ तुम कल रात भी नहीं सोई। उनके जाने के बाद कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता, घर की हर चीज उनकी याद दिलाती है। ऐसा कब तक चलेगा माँ? मेरा कहा मानो तो मेरे साथ बंबई चल रहो, आबो हवा बदलने से तुम्हारा दिल भी समझ जाएगा और मुझे घर का खाना भी मिल जाएगा। अगर वो लौट कर आए और घर में ताला देखा तब? माँ तुमने तो सारा जीवन पिताजी के साथ बिताया है, तुम तो जानती हो वो अपने हटके के पक्के हैं, एक बार जो फैसला कर लिया उसी पर अड़े रहे। न जाने किस हाल में होंगे वो। जिस प्रकार साबुन कपड़े की मैल को धोकर उसे स्वच्छ और उज्ज्वल बना देता है, उसी तरह भगवत भक्ति और सत्संग मन को निर्मल बना देता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को त्याग करके हर घड़ी भगवत भजन में लगा रहे। नहीं बेटी, इच्छाओं को दबाकर कर्म से मुंह मोड़ना कायरता है, अच्छे कर्म करते हुए जीना भी तो भगवत भक्ति ही है। अच्छा मेरा संध्या समय हो गया है, कल हम फिर इसी विषय पर प्रवचन करेंगे। निशा जी, क्या बात है, घर नहीं जाऊंगी? घर जाकर मैं क्या करूंगी, सोचती हूँ सारा जीवन आपकी संगत में ही कट जाए तो अच्छा है। आंटी मैं जरा आश्रम चली गई थी। आश्रम चली गई थी? आश्रम तो एक बहाना है, यो क्यों नहीं कहती कि जवानी संभाले नहीं संभलती, मैं वहाँ आंख मटका करने गई थी। आंटी चुप रह बेशर्म, मुझे आके दिखाती है, चल जा जाके खाना बना। आंटी बदतमीज कहीं की। अपनी इच्छाओं का गुलाम न रहकर इंसान को निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। यदि कर्म करने से भी अपयश मिले तो उसे क्या कहेंगे आप? मेरे पास आने से ही
तुम्हें अपयश मिल रहा है ना? यदि तुम में साहस नहीं है तो यहाँ आना छोड़ दो। नहीं, मैं यहाँ आना नहीं छोड़ सकती। तो फिर निराश होने की आवश्यकता नहीं। जो बाजी तुम्हारे ख्याल से आज हार रही हो वो बाजी तुम कल जीत भी सकती हो। फिर कहाँ छिप गई कमबख्त? दर से सर पटा जा रहा है। हाय, माँ बाप मर गए, कमबख्त ला हमारे लिए छोड़ गए। आज फिर आंटी ने कुछ कहा है क्या? जी नहीं। मैं जानता हूं बेटी, जब भी तुम्हारा मन दुखी होता है तुम भगवान के सामने यही भजन गाती हो। स्वामी जी, इससे मन को शांति मिलती है। तो फिर ये कमजोरी क्यों? सहन शक्ति में बहुत बल है बेटी। हाँ बेटी, जिसमें सहन शक्ति ना हो वो कमजोर होता है और क्रोध का सहारा लेता है। स्वामी जी, आपके इन्हीं उपदेशों ने न जाने कितने लड़के लड़कियों को जीने का रास्ता दिखाया। आप धन्य है स्वामी जी। अरे देखो मां देखो, पिताजी की तस्वीर छपी है। हाँ, ऋषिकेश में मॉडर्न आलोक स्वामी के आगमन से नौजवान लड़के लड़कियों की जिंदगी ही बदल गई है। उनके उपदेश सादे और सत्य हैं। वो दुनिया जहान के त्यागने की बात नहीं करते बल्कि दुनिया में रहकर ही कर्मयोगी होने की शिक्षा देते हैं। देखा, होने की शिक्षा देते हैं। जब से वे कस्बे में आए हैं स्कूल और कॉलेजों में हड़तालें बिल्कुल बंद हो गई हैं। देखा मां, पिताजी की धारणा। वेल, आज की तहजीब याफ्ता सोसाइटी में कोई भी भाई बहन, बाप बेटी या माँ बेटे की शादी के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन एंशियंट टाइम्स में ऐसा होता था, बल्कि आज भी आदिवासी कबीलों में इन ब्रीडिंग का रिवाज पाया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मिस्र की मलका क्लियोपेट्रा को अपने भाई के साथ शादी करनी पड़ी। और ओके, वी रिज्यूम इट टुमारो। हेलो ज्ञान। ओ ज्योति, लौट आई तुम हरिद्वार से? हरि के द्वार तो बार बार जाना पड़ेगा। हाँ, एक बार ऐसा जाऊंगी कि फिर कभी आना ना पड़े। प्रोफेसर साहब, हम लोगों का क्या होगा, आप ही साथ चले जाइएगा। अजी प्रोफेसर साहब, हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है, और अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। जरा गृहस्थ आश्रम का सुख ले लें, फिर हरिद्वार भी चले जाएंगे। बड़ा अरमान है तुम्हें अपनी शादी का। तुम्हारी पसंद की कोई लड़की ढूंढ लो। सवाल मेरी पसंद का नहीं है मिस ज्योति, मेरी माँ की पसंद का है। वो आजकल आई हुई है, कभी घर पे आकर उनसे मिल भी लो और उनकी पसंद भी पूछ लो। जोरू के गुलाम तो देखे, माँ का गुलाम पहली बार देखा हूँ। अरे शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिए माँ का आज्ञाकारी बेटा कैसे जोरू का गुलाम बनता है। सुन लीजिए। आइए। जी नहीं। आप आश्रम जाइए, मैं भी वहीं जा रहा हूं। नहीं आ सकते? ज्योति,
जब भी तू आती है इसके साथ शतरंज लेके बैठ जाती है। कभी इस बुढ़िया के साथ में भी दो बातें कर लिया कर। चलो चल माँ वहां बैठेंगे। ये क्या किया तुमने? ज्योति अभी मुझसे हारने वाली थी। बुद्धू कहीं का, औरत की हार में भी उसकी जीत छुपी होती है। और जीत में? वो तो जीत होती है। ओ, तो हम मर्दों के नसीब में हार ही हार लिखी। प्रोफेसर साहब, खोने में जो मजा है वो पाने में कहाँ? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं इस धरती पर बोझ हूँ, किसी को मेरी जरूरत नहीं। खबरदार जो फिर कभी ऐसा कहा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा तो जी चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों में छुपा लूं, जहां तुम्हें किसी की गंदी नजर मैला ना कर सके। तुम ये सब मेरा दिल बहलाने के लिए कहते हो ना? आई मीन इट निशा, मैं तुम्हें अपना चाहता हूं। तुम मुझ अनाथ को? नहीं नहीं निशा, निशा सुनो तो सही, तुम अनाथ नहीं निशा, तुम मेरी शक्ति हो। लेकिन कहा तुम कहा है? पगली मैं बहुत जल्द ही तुम्हें आंटी के चुंगल से छुड़वा लूंगा। हाँ थी तुम दो तीन दिन। स्वास्थ्य तो ठीक है तुम्हारा? जी स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं आ पाई, मैं क्षमा चाहती हूँ। आज भी आना मुश्किल हो रहा था, मैंने सोचा एक बार आपके दर्शन करती जाऊं। अब मैं आगे लूं? ये द्वार तुम्हारे लिए हर समय खुला है, जब भी इच्छा आ जा सकती। बनाया किसने? ज्योति ने, और वो भी अपने हाथों से। खाना बनाना कहीं नौकरों पे छोड़ा जा सकता है माँ जी? है तो तू बीएम में, मगर बातें तो अनपढ़ों से भी ज्यादा होशियारी की करती हो। माँ ये भी तुमने खूब कही, पढ़ाई से अकल बढ़ती है या घटती है? मुझे दुनियादारी का क्या पता, तू तो बुद्धू है रे, मुझे हर तेरी छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है। बेटी मुझे इसका बहुत फिक्र रहता है, न जाने मेरे बाद इसका क्या होगा। माँ माँ जी अब इसकी शादी कर दीजिए, वो खुद ही से संभाल लेगी। और अगर बहू ने बेटे को माँ से जुदा कर दिया तो? मैं नहीं करने वाला ये शादी। मैंने अपने लिए बहू ढूंढ ली। कौन माँ? अरे ज्योति की बात कर रही हूँ, बड़ी अच्छी लड़की है। कमाल है, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। अरे औरतों की अपनी जबान होती है, वो एक दूसरे से कब क्या कह जाती है ये तुम मर्दों के समझ में नहीं आएगा। मैं समझ गया समझ गया समझ गया। अरे आगे से राइट लेना। Hey. बड़े खुश नजर आते हो। बात ही कुछ ऐसी है। क्यों? माँ ने तुम्हें पसंद कर लिया है। लो इसमें नई बात क्या है? पगली वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। मुझे बहू? माँ का कोई दूसरा बेटा है क्या? मेरा मतलब है तुम्हारा कोई दूसरा भाई है क्या? मैं जो इकलौता लौता हूँ, वन एंड ओनली वन। इसका मतलब है माँ की बहू बनने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैंने तुम्हें ऐसी नजरों से देखा ही नहीं। ओह तो भाई देख लो, तुम्हारे सामने जो है लो देखो। आंखें बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू। लेकिन नजरों में वफा की कमी है। और नाक बड़ी तीखी है। और अच्छा बटन तो खोलो। खोलो ना। लो अरे बाबा शादी ब्याह का मामला है,
पूरी परख तो कर लेनी चाहिए। हाँ। शक्ल की भी और अकल की भी। अच्छा बोलो मेरी कमर कितनी होगी? कमर पकड़ो सर दो कितनी? और मेरा वजन? वजन क्या कह रही हो तुम? तुमने कोई प्रिकॉशन नहीं ली? प्रिकॉशन? कैसी प्रिकॉशन? आज कल की लड़कियां तो सब कुछ जानती हैं। तुम इतनी भोली मत बनो। लेकिन तुमने तो मुझसे शादी का वादा किया था। शादी करने का वादा किया था, बाप बनने का नहीं। तुम मजाक कर रहे हो मुझसे। मजाक कौन उल्लू का पट्टा करता है? सच सच बताओ, ये नाटक तुमने मुझे फंसाने के लिए किया है ना? नहीं, सच कहती हूँ भगवान की सौगंध, मैं सच कह रही हूँ। सारा रोमांटिक मूड ऑफ हो गया, चलो वापस। बेशर्म बेहया, शर्म नहीं आती तुझे? लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए, और एक तू है कि वहाँ भी जाती है पाप करने के लिए। अगर छोकरे ही फंसाने हैं तो और जगह क्या कम है? जवानी इतनी उमड़ रही है तो जा जाकर बैठ किसी कोठे पर। रात गए रो क्यों रही हो? कुछ बताओ तो सही। आंटी। आंटी क्या हुआ आंटी को? आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया क्यों? प्रेम किया है मैंने। प्रेम? प्रेम करना तो कोई पाप नहीं। आप समझते क्यों नहीं स्वामी जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने वाली हो? क्या कर रही हो? स्वामी जी, मैंने जिससे प्रेम किया वो मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। कौन है वो बताओ बेटी, कौन है वो जिसने तुम्हारा आंचल मैला किया है? किसने तुम्हारा दामन में दाग लगाया? आलोक स्वामी जी, मैं निशा से शादी नहीं कर सकता। तो ये बात तो तुम्हारे माँ बाप से कहनी पड़ेगी। आप शायद ये भूल रहे हैं कि आपको अपने पाप का प्रायश्चित खुद ही करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा। चार। चार। तुमने चांद की सारी बातें सुन ली बेटी? जी हाँ स्वामी जी, और मैंने फैसला किया है कि मैं आप पर ये कलंक नहीं लगने दूंगी। वो कैसे? आत्महत्या करके। निशा, तुम अपने साथ साथ उस बच्चे के भी प्राण लेना चाहती हो जो तुम्हारे पेट में पल रहा है? तो मैं क्या करूँ स्वामी जी, ये घोर पाप है। इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है मेरे लिए। संसार में कोई जगह भी नहीं जहाँ मैं सर छुपा सकूँ। ये आश्रम भी तो तुम्हारा ही है, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
तुम यही रहोगी मेरे पास, मेरी बेटी बनकर। तुम सब संभाल लेना, मैं सामने आया तो पहचान लिया जाऊंगा, समझे? सुना कुछ आप लोगों ने, निशा कल रात भी घर ना जाकर स्वामी के आश्रम में ही रही। भैया जच्ची ना है तेरी ये बात। अरे मैंने तो कुछ और भी सुना है काका, निशा माँ बनने वाली है। अरे भैया इसी तरह छुपरिया फंसाते साधु लोग। मैंने कहता था जरूर कोई गड़बड़ है। हम इस ढोंगी साधु को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इस ढोंगी साधु को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस्मानी तालुकात कायम किए, कहा जाता है कि लड़की की उम्र उनके बेटे की उम्र सभी कम है। वहां इस खबर से लोगों में गम गुस्से की लहर दौड़ी है और लोग उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। माँ एक दिन उन्होंने हमसे नाता तोड़ा था और आज से वो हमारे लिए मरे। आज से इस घर में उनका जिक्र तक नहीं होगा और जो भी चीज इस घर में उनकी याद दिलाती है उसे हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाएगा। जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जनू भैया मारवे में मजा ना है, मेरी मानो तो शादी करवा दो इन दोनों की। क्या कहो तुम लोग? यही ठीक। ओम अपना था माचा। नहीं ये शादी नहीं हो सकती। नहीं वहां जाके उन लोगों को संभालो, यहाँ मैं और पंडित ही काफी हैं। उसकी अब आप लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि शादी होते ही स्वामी जी के प्राण पंखेरो अपने आप ही उड़ गए और निशा अब विधवा हो गई। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। समझ कर तेरा दिल तोड़ा गया।
कर मेरा दिल तोड़ा गया। कौन सा वो पीर है जो तुझ पे ना छोड़ा गया। बेबसी का मैला चल तुम्हारी तो जान बचा सका लेकिन
किया तुमने दीदी? तू तो बिल्कुल भीग गई है रे। मैं तुमसे बाद में पूछती हूँ क्या हुआ। चल पहले कपड़े बदले आ। अरे तुम्हारा माथा तो गर्म है, इसे ओढ़ लो कहीं बुखार ना आ जाए। मुझ पर भरोसा रखो निशा, तुम पर जो कुछ बीती मुझे सब कुछ सच बता दो। लो माँ ने तुम्हारे बारे में खत में बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा, पर मुझे उनकी बातों पर जरा विश्वास नहीं। मेरी अच्छी बहन बोलो ना, बोलो। दीदी ये पिछले सर्दियों की बात है। मैं उस मंडप पर सुहागन से अभागन बनी ये देखे मुझे तुम ही एक ज्योति की किरण नजर आई और मैं यहाँ चली आई। लेकिन ये सब जानने के बाद अगर तुम मुझे यहाँ से जाने को कहोगे तो मैं चली जाऊंगी। पगली तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी सकती है? जब अपने आप से ही विश्वास उठ गया तो फिर दूसरों से गिला किस बात का? बीती हुई बातों को भुला देने की कोशिश करो निशा, अब तुम मेरे पास रहोगी, हम दोनों बहनें एक दूसरे की सुख दुख बांट लेंगे। सुनिए जी, ज्योति कहाँ है? घर पे नहीं है, क्या कह गई थी आप आए तो बैठने के लिए कहूँ। आप क्या पीजिएगा, ठंडा या गर्म? आप क्या पियेंगे? मेरा मतलब है जो आप करने का मूड हो वो हमें पिला दीजिए। ये क्या, एक ही कोको कोला? आप नहीं पीएंगे? जी नहीं। बड़ी अजीब लड़की। गुड इवनिंग प्रोफेसर सर। गुड इवनिंग। क्या बात है, अकेले बैठे? मैं तो उस बेरे को यूं ही गलत समझ बैठा था। दीदी क्या बात है निशा? दीदी मैं बेकार घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ, तो अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी से मेरे लिए कुछ किताबें क्यों नहीं आती? क्या हुआ दीदी? निशा मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है, सोचती हूँ मेरी शादी होगी तो तुम्हारा क्या होगा? तुम मुझे अपनी नौकरानी बना के साथ में ले चलना। ए ऐसी बात फिर कही तो बहुत पीटूंगी तुझे। दीदी ये पहाड़ जैसी जिंदगी तुम्हारे बिना कैसे बिताऊंगी मैं? एक तरीका है जिससे तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। कैसे? तुम कॉलेज ज्वाइन कर लो। मैं कॉलेज? हाँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बहुत शर्म आएगी। शर्म किस बात की दीदी, इतने साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, मैं कैसे पढ़ सकूंगी? मैं जो हूँ, और फिर ज्ञान भी तो है, हम संभाल लेंगे। अच्छा तुम कहती हो तो। ये देखो वो तुम्हारा क्लासरूम है, अपने क्लास से लोग घुल मिल कर रहना है। और हाँ मैं रिसेस में प्लीज सिट डाउन।
मेरा नाम ज्ञान है। प्रोफेसर अजय के बजाय मैं आपको लिटरेचर पढ़ाऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज हम एक दूसरे को जानेंगे। अच्छा हो अगर हर स्टूडेंट अपने बारे में अपनी खुद ही इंट्रोडक्शन दे, नाम, शौक, पढ़ लिख कर क्या बनना है एटसेट्रा। आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रो। यू सर, मेरा नाम है मुकेश कपूर, काम है गाना बजाना। मैं सारी उम्र विद्यार्थी रहना चाहता हूं, इसलिए पिछले 7 सालों से यही हूं। और मेरे दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि प्रोफेसर साहब भी मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं। नेक्स्ट। मेरा नाम है आशु, मुझे शौक है फिल्म्स देखना और फिल्म मैगजीन्स पढ़ना। पढ़ लिख कर फिल्म स्टार बनना चाहती हूँ। यस। इनके बारे में मैं बताता हूं। नाम है निशा, शौक है गम खाना और चुप रहना, पढ़ लिख कर शायद टीचर बनना चाहती है ना? निशा उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे ला रही हूं। वाह, तो कैसे लगे कॉलेज की जिंदगी तुम्हें? कॉलेज की जिंदगी तो बहुत दिलचस्प है, मगर मैं उसके लायक नहीं, मैं बिल्कुल पास नहीं हो सकती। ऐसे भी कौन सी मुश्किल है जो आसान नहीं हो सकती? थोड़ी हिम्मत रखो। ये मोटी मोटी किताबें हैं ना, ये बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आती। अब मैं इनसे डरने भी लगी हूँ। तुम इन किताबों में इंटरेस्ट लो, किताबें तुम में इंटरेस्ट लेंगे। कोशिश करूंगी। इस क्लास में तो कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा वो प्रोफेसर नहीं आए, पढ़ाई बोर आदमी। मैं इतनी बोर हो जाती उसके क्लास में, कब से तलब आ रही थी। इसके बाद वो प्रोफेसर ज्ञान जी का क्लास है ना, कुछ भी कहो मुझे वो आदमी बहुत पसंद है। ये लो। नहीं, तुम लड़की होकर सिगरेट पीती हो, बुरी बात है। तो क्या हुआ, इसमें बुरी बात क्यों? जमाना बदल गया है निशा, कल जो बात बुरी लग रही थी वो आज अच्छी है। बाकी इन चीजों से फर्क ही क्या पड़ता। छी छी, कैसी बातें करती हो। ये तुम्हें टीचर बनने की क्या सूझी, वो तो उसे एक्ट्रेस बनना चाहिए। हर पेपर में तस्वीर छपेगी, लाभ होता जा रहा है। हाउ स्वीट, एकदम दिलीप कुमार। प्यार इतनी जल्दी, पहली नजर का इश्क है ना, मगर मैं उसे शादी भी तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे एक्ट्रेस बनना है ना पगली, अगर एक्ट्रेस शादीशुदा हो ना तो उसे फिल्में नहीं मिलती, उसे काम नहीं मिलता। फिर बहुत कम लोग कहेंगे माय स्वीट आशु, माय डार्लिंग आशु, माय स्वीट आशु वगैरह। मुझे ज्योति ने रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें कुछ किताबों की जरूरत है, सो मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, वहीं आ जाना, वहां से कुछ किताबें ले दूंगा। और किसी किस्म के गाइडेंस या मशवरे की जरूरत हो, यू आर वेलकम। हेलो आशु। हाय। हमने डैडी से तुम्हारे बारे में बात कर ली है। क्या? यही कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो तुम्हारी तस्वीरें भी मंगवाई हैं, यू नो समथिंग ग्लैमरस इन बिकिनी एंड ऑल। पर ऐसी तस्वीरें मेरे पास कहाँ हैं? नहीं है? नहीं। तो हम तुम्हारे लिए खींच देते हैं। क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? पूछिए मत कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। नमस्ते, प्रोफेसर साहब घर पर हैं, क्या से मिलना है? आओ आओ बैठो, तुम बैठो, मैं अभी भेज देती हूं।
अरे सुना निशा, संजीव कुमार शादी कर रहा है। तुम्हारे अपने लोग हैं क्या? उफ, तुम तो बिल्कुल गवार हो। हेलो निशा, कैसे आना हुआ? गुड इवनिंग सर, मैं भी आ गई। आपने कहा था ना कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपके पास आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। कौन सी किताब पढ़ रही हो भला? आप खुद ही पढ़ लीजिए। विडो मैरिज। यही तो प्रॉब्लम है। क्या? मेरी नहीं, निशा की। चालू ये झूठ बोल रही है सर। शर्माती क्यों है प्रोफेसर साहब से? मेरे साथ तो हमेशा यही बातें करती है कि हमारे समाज में विधवा लड़कियों का क्या स्थान है। ये झूठ बोल रही है सर। निशा, हम तेजी से बदलते हुए समाज में रह रहे हैं। आज की जनरेशन हर रस्म हर रिवाज को चैलेंज कर रही है। देखो निशा, तुम्हें जिंदगी की खुशियों से इसलिए महरूम नहीं किया जा सकता कि तुम विधवा हो। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि जल्द ही एक नौजवान तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें अपनाएगा। दृढ़ विचारों वाला नौजवान। क्यों शालू? अरे ये शालू कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। अच्छा खैर, तो तुम बैठो, मैं माँ को चाय के लिए बोलता हूँ। ज्ञान सर, क्या बात है, आजकल आप कॉलेज के बाद नजर ही नहीं आते। दरअसल आजकल मेरी छोटी बहन आई हुई है। और हाँ, माँ कह रही थी कि इस इतवार को तुम और निशा घर पे आ जाओ, थोड़ा हमें रहेगा। ओके, मगर एक शर्त पर, वो ये कि उसके बाद उन्हें हमारे यहाँ आना होगा। भाई ये बात तुम उससे तय कर लेना। अच्छा। और ये मात? अभी मुझे मात देने के लिए आपको बहुत वक्त लगेगा। मात तो तुमको ऐसी दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। बेस्ट विशेस टू यू। अरे ज्ञान जी, कुछ सुना तूने? ये आशा तो कल सुबह ही जाने के लिए कह रही है। अरे उसे भेजने की क्या पड़ी है, उसे रोकिए। मुझे क्या मालूम बेटे, तू ही उसे रुकने के लिए बोलना। अच्छा तो मैं मंदिर जाके आती हूँ। हाँ आप हो जाइए। ए बसंती चोले वाली, तेरा कल जाना बहुत जरूरी है क्या? जी हाँ, और जब तक भाभी लाके नहीं दोगे इस घर में कदम नहीं रखूंगी। लीजिए। लीजिए नहीं। हाँ, पर भी क्या जबरदस्ती लगा रखी है, भाभी भाभी भाभी। बिल्कुल जबरदस्ती है। ससुराल जाओ तो वहाँ चूल्हा फूको, मायके आओ तो यहाँ चूल्हा फूको। अरे मैं नहीं, नहीं, नहीं। से तेरी फिर क्यों शोर मचाती है? अरे ए, ए, शादी कर दी कब से तेरी फिर क्यों शोर मचाती है? पीछे मेरे क्यों पड़ती है तू, क्यों इतना सताती है, क्यों इतना सताती है? तो कह दो हाँ, वो राधा हो कि रीता हो कि गीता हो, कोई हो अच्छी सी लड़की, तू जैसा है मतवाला, कोई लड़का भोला भाला, खेल छपीला रे, कोई लड़का भोला भाला। लड़की क्या है चांद का टुकड़ा, ऐसी कहीं
कैसे होगा ऊपर वाला ही जाने, मेरा रिश्ता किससे होगा ऊपर वाला ही जाने, सारी बातें किस्मत की हैं दिल किस्मत को ही माने, किस्मत को ही माने, हमें क्या है हमें क्या है, किसी से हो कहीं भी हो कभी भी हो, मगर हो ऐसी ना लड़की, ये है आफत की बाला। कोई लड़का भोला भाला है छल छबीला रे, कोई लड़का भोला भाला जो शादी से घबराए, मगर हम भी न मानेंगे न छोड़ेंगे कि ढूंढेंगे कहीं से लाएंगे लड़की, तब होगा घर में उजाला। कोई लड़का भोला भाला है छल छबीला रे, सॉरी निशा, ये किताब ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई। आई एम सॉरी। सॉरी कह देने से इंतजार की घड़ियां कम तो नहीं हो जाती, इसे तो इंतजार करने वाला ही समझ सकता है। Sentiments, humanism, और बातों बातों में समय का ध्यान नहीं रहा, मैंने तो ज्योति को पिक्चर दिखाने का प्रॉमिस किया था, तो चलो रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगा, उससे माफी भी मांग लूंगा। I'm sorry. दरअसल वो इन्हें मेरे वजह से देरी होगी, इन्हें माफ कर दो ना। अरे पगली, तू क्यों दिल छोटा करती है? जा अंदर जाके मुंह हाथ धो ले, जा। मैं भी चलता हूँ। अरे क्यों, तू कहाँ चले? कल के लिए टिकट लाने। अरे पर सुनो तो। समझ गया, तीन टिकट लानी है, एक निशा के लिए भी। दीदी, मेरी अच्छी दीदी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। खुश तो होना ही है, पिक्चर की टिकट फाड़ने पर भी तुमने मुझे माफ क्यों कर दिया? समझ गया, तीन टिकट लानी है एक निशा के लिए। कमाल की लड़की है। कौन? निशा। तीन महीने पहले मेरे पेपर में जीरो मिला था और अब के फर्स्ट क्लास सिक्योर किया है। बहुत मेहनती और समझदार लड़की है प्रोफेसर। ऐसी कितनी ही लड़कियां सब गुण होते हुए भी हमारे समाज में अबला की जिंदगी गुजार रही हैं। उन्हें देने के लिए हमारे पास हमदर्दी के दो बोल होते हैं बस। मैं तो कहता हूं प्रोफेसर, जब तक हम आने वाली नस्ल के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट नहीं करते, हमें बड़े बड़े लेक्चर देने का कोई हक नहीं। मैं नहीं समझा तुम क्या कह रहे हो। मैं विधवाओं की समस्या की बात कर रहा हूं। तुम क्या चाहते हो, हम सब प्रोफेसर लोग काम धंधा छोड़कर देश की विधवाओं को ढूंढने निकले? ढूंढने की क्या जरूरत है प्रोफेसर, जिसकी तुम अभी इतनी तारीफ कर रहे थे वो भी तो विधवा है और तुम्हारी भी शादी नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। क्या बात कही है आपने? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? जी नहीं, आपने सेम पर्सन ठीक कहा, लेकिन हमारे सेल स्टाइल लीडरों और आप में क्या फर्क है? वो भी दूसरे को कुर्बानी का बकरा बनने को कहते हैं और आप भी वो कर रहे हैं। साफ साफ कहो तो कहना क्या चाहती हो? शादी तो आपकी भी नहीं हुई, आप क्यों ना कर लेते निशा से ब्याह? तुम कह रहे हो ज्योति,
दूसरों को नसीहत देना आसान है ज्ञान साहब, आप जैसे सुधारों की कमी नहीं है हमारे समाज में। शादी तो तुम्हारे पे लेंगे, तुम क्यों निकलने के निशा से गया? अरे आप आइए ना। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं बाहर से लौट जाऊंगा? क्या भरोसा आपका? अच्छा बैठिए। निशा कौन है? तुम्हारे ज्ञान बाबू आए हैं। अरे ज्ञान, तुम्हें इतने जोर से घंटे बजा रहे थे। घंटी की क्या बात है, मेरा बस चलता ना तो बाजे बजवा देता। बड़े खुश नजर आते हो, क्यों क्या बात है? पहले मुंह तो निशा करवाइए। लीजिए अभी करवा देते हैं। थैंक यू। हो गया ना मुंह मीठा, अब बताओ। जब सबसे पहले निशा ने मुंह मीठा करवाया है तो मुझे भी उसे कुछ देना चाहिए। ये हुई ना बात, तो फिर लाइए जल्दी से। तुमने मुझसे कहा था ना ज्योति, मैं क्यों नहीं कर लेता निशा से ब्याह? सो मैंने फैसला कर लिया है कि जाना नहीं, तुम्हें मेरी कसम, मैं अभी आती हूं। निशा ये क्या कर रही हो? मैं जा रही हूं। कहां? जहां किस्मत ले जाए। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे पहले शादी के लिए तो मैंने खुद ही कहा था ज्ञान से। नहीं दीदी नहीं, जिस किसी ने भी मुझे सहारा दिया मैं उसी की तबाही का कारण बन गई। मैं बहुत बदकिस्मत हूं दीदी, बहुत बदकिस्मत। ये तेरा वहम है निशा, अगर ऐसा होता तो ज्ञान जैसा समझदार इंसान कभी तेरा हाथ ना पकड़ता। मुझे तो कोई दूसरा सहारा मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान जैसे हिम्मत करके तेरा हाथ पकड़ने वाला शायद कोई दूसरा ना मिले। आज मुझे कितना गर्व है ज्ञान पर। मैं क्या करूं दीदी, क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, चल आ मेरे साथ। ज्ञान, आज मेरा सिर श्रद्धा से तुम्हारे सामने झुक गया है। मैं न जानती थी तुम इतने महान हो। जीते रहो बहू, अब इस घर की इज्जत मान मर्यादा सब तुम्हारे हाथ में है। नींद आ रही है? ए, आज की रात सोने की नहीं, आज तू उस पर ऐसा रोक डाल कि जिंदगी भर तेरी गुलामी करे। अभी भेजती हूँ। रात के 12 बज रहे हैं और आप ही अपने दोस्तों से गपशप लड़ा रहे हैं। वो बेचारे की सारी रात इंतजार करती रही थी। सारी उम्र उससे बातचीत करनी है, अब जरा दोस्तों से बात कर ले। हैं हाँ, चल रहे, चलो चलो। जाने कौन आ गया, हस्तियाँ लुटा गया।
पे अंधेरी रेन से मुझको जगमगा गया, जाने कौन आ गया बत्तियां लुटा गया, मैं अंधेरी रेन से मुझको जगमगा गया, जाने कौन आ गया। पास आइए छोड़िए हया, चल रहा है दिल सर्द रात का, जाने कौन आ गया मस्तियाँ लुटा गया, मैं अंधेरी रेन से मुझको जगमगा गया, जाने कौन फिर हमने एक दूसरे को पा ही लिया। नहीं अब तुम्हें बताओ मजा खोने में है या पाने में? दिल का सब कुछ अपनी हर खुशी बेकरार है आज जिंदगी, दिल का सब कुछ अपनी हर खुशी बेकरार है आज जिंदगी, एक तो सांस भी है रुकी रुकी हद से बढ़ गई अपनी बेबसी, जाने कौन आ गया बत्तियां लुटा गया, मेरी रेन से मुझको जगमगा गया, जाने कौन आ लगा तो नहीं आपको? सॉरी निशा, एक्सक्यूज मी, सुनिए जस्ट प्लीज जी आपका रुमाल जी नहीं एक मिनट, ये आपके पतिदेव हैं जी? हाँ आपकी शादी हो गई? जी हाँ हो गई है, और हम लोग यहाँ हनीमून मनाने के लिए आए हुए हैं। आपको कोई तकलीफ है? मेरी पंडित लल्लू का सर क्या तकलीफ हो सकती है? मनाइए मनाइए, शौक से मनाइए, शौक से मनाइए। लेकिन
मैंने इस झरने का पानी कई बार पिया है, लेकिन इतना मीठा पहले कभी नहीं था। चापलूस, तुम यहाँ पहले कब आए? कई बार। तो फिर जरूर ये बात तुमने पहले भी किसी लड़की से कही होगी। तुमने ये बात पहले कभी किसी लड़के से सुनी है? निशा, इस छड़ने के पानी में खास बात है। क्या? जो भी नया शादीशुदा जोड़ा इसका पानी पीता है, उसके प्यार का फूल बहुत जल्दी खिलता है। ए, क्या देख रहे हो? क्या हुआ? वो आइए 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 लल्लू प्रसाद जी, यहाँ भी आ गए आप। देखो देखो देखो, हरकत है इसका, अच्छी भी आदमी है। आप लोग हनीमून पे आए हैं ना? हाँ। I'm sorry, दिल से बियो। बस सब लोग। लप्पू झन्ना कहीं का? हाँ नहीं तो बेकार में परेशान।
लाखों ही बातें थी, ये बात नहीं थी। दिल से पाया ना खाना, सब कुछ पाया ना खाना। मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात से? वापस जाते हुए। क्यों? कोई मेरे कानों में कहता है वापस जाते ही तुम्हारी सब खुशियां तुमसे छिन जाएंगी। ए, ऐसा क्यों सोचती हो? कभी जीवन में एक साथ इतनी खुशियां नहीं देखी ना, इसलिए ये 7 दिन मेरे जीवन के सुनहरे दिन थे। कभी कभी लगता है ये एक सुनहरा सपना है जो मैं देख रही हूँ, आँख खुलते ही टूट जाएगा। ए, इधर देखो, ये सपना नहीं हकीकत है। मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारा पति। माँ, माँ कहाँ हो तुम? आ गए बेटा। प्रणाम। जीते रहो। निशा कहाँ है? हुँ? अरे निशा कहाँ है? दरअसल पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर से। क्या बात, क्या है, बोलते क्यों नहीं? दरअसल बात यह है माँ जी कि आपके बिना मेरा दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर आपके पास भाग आया। क्या बकते हो, मजाक करते हो ना? 2-4 दिन में खुद चली आएगी वो, फिक्र करने की कोई बात नहीं। तुम क्या समझते हो मेरी बेटी के सिवा तुम घर में घुस सकते हो? चल निकल बाहर, निकल। ओ माँ जी, मेरी बात तो समझ। प्रणाम माँ जी। तू आ गई बेटी, पगले तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा तुम दोनों मुँह हाथ धो लो और मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या बात। ए, ये क्या कर रहे हो, कम से कम सफर की धूल तो उतार लेने दो। अरे छोड़ो बेटा। ज्ञान, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। बोलो ना माँ, तुम्हारी बात का बुरा कैसे मान सकता हूँ? परसों तुम्हारे पिता के शराब है, मैं चाहती हूँ कि उस पाखंडी को पिता कहते हुए मुझे शर्म आती है। ज्ञान, मरे लोगों के अवगुण भूल जाया करते हैं बेटा, वो तो तुम्हारे पिता थे, तुम्हें तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। शांति? और उसे जिसने सन्यासी का ढोंग रचाकर अपनी बेटी समान लड़के से शादी की, उसके जीवन से खेला, अगर भगवान है तो वो जरूर नरक में गया होगा। और माँ, मेरी तुमसे प्रार्थना है कि उस पाखंडी की याद मुझे मत दिलाया करो। क्या हुआ, माँ जी से किस बात पर नाराज हो रहे थे? निशा, तुमसे क्या छिपाना, तुम भी तो फैमिली के मेंबर हो। 50 साल की उम्र में मेरे पिताजी साधु हो गए थे, साधु, और ऋषिकेश में जाकर बस गए थे। वहां उनके आश्रम में आने वाली एक लड़की जो उनकी बेटी के समान थी, उन्होंने शादी कर ली। निशा, तुम भी तो ऋषिकेश की रहने वाली हो, तब तो तुमने भी उनका नाम जरूर सुना होगा। उस नाम को लेकर एक बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हो गया था, आलोक स्वामी। हम पर सितम किया है,
हाय नसीब तूने ये हम पर सितम किया है क्यों आंखों को देख रोशनी दिल को बुझा दिया है क्यों दिल को बुझा दिया है सोच में डूब गई निशा फिर लेकिन ऐसी बातें दिल में नहीं लगाते एक गिलास पानी पिलाओगे श्रीमान 32 33 34 35 36 36 36 रोल नंबर तो निशा का है यानी के आपके श्रीमती जी का आप कहें तो मैं ये असर कह दूं आई तो मेरे साथ थी लेकिन ये बात कब तक छुपाई जा सकती है एक ना एक दिन ये राज खुल ही जाएगा और तब तुम फिक्र मत करो मुझे सोचने का थोड़ा समय दो तुम घर चले जाओ और हाँ अभी किसी से कुछ बोलना नहीं नहीं दीदी मैं अब उस घर में वापस नहीं जा सकती एक ही छत के नीचे मैं एक ज्ञान के साथ नहीं रह सकती मुझे अब उससे डर भी लगने लगा है जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वो मुझे मार डालेगा अच्छा बाबा तुम्हें इतना डर लगता है ना तुम यहीं रहो हेलो माँ अरे ये क्या छुपा रहे हो ये तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ मेरे लिए जिसके लिए लाए हूँ वो घर पे नहीं है कहाँ गई आज वो क्लास में भी गैर हाजिर थी ज्योति के साथ ज्योति आई थी उसका सामान ले गई सामान ले गई क्यों मुझे क्या मालूम तुम रिया बीवी का झगड़ा हो गया होगा झगड़ा मैं भी आता हूं बुला उसे ले आना फिर इकट्ठे खाएंगे निशा कहां है नमस्ते प्रभु अचानक निशा ऐसे घर छोड़कर चली आई हमसे कोई भूल हुई है क्या क्यों जी निशा को अपने मैके आने का भी हक नहीं है क्या सो तो है पर वर्क कुछ नहीं आपको अपनी श्रीमती जी से 3 महीने के लिए जुदा रहना होगा 3 महीने के लिए लेकिन किस जुर्म में वो ये है कि उसके इम्तिहान है और उसने शिकायत की है कि आप उसे पढ़ने नहीं देते नहीं 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 ये बात नहीं है ये बात नहीं है लेकिन एक कंपलसरी सेपरेशन तो जुर्म है मुझ पर आपको ये सजा देने से पहले हम दोनों की तो सुन लेनी चाहिए थी खैर अब रहम की कुछ भी गुंजाइश नहीं थोड़ी सी है हाँ। आप एक काम करिए हाँ। आप कॉलेज हाउस में निशा को देख लीजिए हाँ। छुट्टी हो गई यार निशा देवी के 3 महीने के बाद इम्तहान है और अपने इम्तहान आज से शुरू हो गए बन जाओ ब्रह्मचारी बेटा ज्ञान प्रकाश किसका खत है माँ का मुझे देखने के लिए एक लड़का आ रहा है आंटी को मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ उन्हें बताने की मैंने जरूरत नहीं समझी मुझे पता है वो तुम्हारे बारे में क्या राय रखती हैं We'll be right back.
मिला न था, प्यास का मुझको पता न था, प्यार फिरा जब मिला न था, प्यास का मुझको पता न था, एक बूंद पिलाई तूने, वो प्यास जगाई तूने, पी जाऊं सारा सागर, सारा सागर पी जाऊं, है कांज मुझको रोकूं, ये मिलन रहेगा हाथों, प्यार पूरा जब मिला न था, प्यास समझो पता न था। मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ। आप इस वक्त यहाँ क्यों आए? बत्ती बंद कर दो। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी बीवी हाँ। के घर आया हूँ, किसी गैर के घर तो नहीं। नहीं प्लीज चले जाइए ना। ये बात तो है। प्लीज देर हो जाएगी। निशा। ना तो। निशा। निशा। दीदी आ रही। क्या हुआ निशा, तुम अभी तक सोए नहीं? क्या हुआ? वो आए थे, वो ज्ञान? आपसे कहा ना, जरा बुखार आ गया था, अब ठीक हूं।
तुमने शीशे में अपनी शक्ल देखी है? कितनी दुबली हो गई हो तुम। मेरे समझ में नहीं आता कि कितनी मेहनत करने से तुम्हें क्या फायदा होगा। पढ़ लिख कर तुम्हें कोई नौकरी करनी है क्या? हैं? छोड़ो सब, घर चलो। नहीं, मैं घर ही जा सकती। कारण? कारण? कारण जानना चाहते हो? बोलो। कारण? कारण मैं बताती हूँ। ये कि इसके इम्तिहान बहुत नजदीक आ गए हैं और इतनी मेहनत बर्बाद नहीं की जा सकती। बोलो ज्ञान, चाय पियोगे? पी लूंगा। निशा, हाँ जरा एक काम करो, चाय बना लाओ, मैं भी एक कप पीऊंगी। अच्छा, माँ कैसी है? ठीक है। क्या मिस ज्योति यहीं रहती हैं? फरमाइए, मैं ही ज्योति हूँ। ओह हाउ नाइस। देखिए मैं चांद हूँ, ऋषिकेश से आया हूँ। आइए अंदर आइए। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। माँ कैसी है? ठीक है जी, बैठी। थैंक यू। माँ का खत आया था कि आप मुझे देखने आने वाले हैं। जी जी। जैसा नाम सुना था वैसा ही पाया। आपको मेरे बारे में कुछ नहीं जानना? जी नहीं। कमाल है, लेकिन मुझे जानना है, अगर आप बुरा न माने तो। शौक से पूछिए। बीवी का आपके नजरों में क्या स्थान है? बराबर का साथी। शादी के बाद आप मुझे नौकरी करने देंगे या नहीं? शादी के बाद आप अपनी मर्जी की उतनी ही मालिक हैं जितना कि आज। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरा एक कॉलेज फ्रेंड ज्ञान के साथ प्यार रहा है तो? आप तो मेरा इम्तिहान ले रही हैं। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। देखिए, प्यार करना कोई पाप नहीं, प्यार तो भगवान का वरदान है। आपने किसी लड़के से प्यार किया है? जी आज तक तो नहीं। मैं अपना सारा प्यार अपनी होने वाली बीवी को देना चाहता हूँ। बीवी? मिस्टर ज्ञान की बीवी, जिनके बारे में अभी आपसे जिक्र किया था ना, वो अनिशा, ये मिस्टर चांद। जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ये खुशी तो आपको पहले भी प्राप्त हो चुकी है। जी, मुझे कुछ याद नहीं। आप ऋषिकेश के रहने वाले हैं? हाँ। निशा, तुम इन्हें जानती हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ इन्हें। यही वो आदमी है जिसने मेरी जिंदगी को कांटे की सेज बना दिया। आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मेरी समझ में आता है, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। देखिए, आप एक शरीफ इंसान की हिंसा कर रही हैं। जी नहीं, मैं सिर्फ आपको जाने के लिए कह रही हूँ। अगर आप एक पल भी यहाँ रुके तो आपकी इंसल्ट हो सकती है। अच्छा। ज्योति, मिस्टर ज्ञान को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि ये हाथ निशा के जिस्म से दर्जनों बार खेल चुके हैं। तीन सौ दो प्लीज। अरे चांद बाबू, आप और यहाँ? हद हो गई यार। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये तो और हद हो गई। अपने अपने पंडित ललू प्रसाद को नहीं पहचाना जिसके सामने कुमारी निशा को विधवा बना दिया था आपने? पंडित जी, फैंटास्टिक, अब पहचाना आपने। अरे चांद बाबू, निशा की शादी अब हो चुकी है विल्सन कॉलेज के प्रोफेसर ज्ञान के साथ। जानता हूँ, निशा की जो चचेरी बहन है ना, उसके साथ मेरे रिश्ते की बात चल रही है। मान गए यार, इसीलिए तो बॉम्बे आया हूँ। चांद बाबू, आपकी नजर उसकी बहन पे भी आने लगी। आप तो जादूगर हो जादूगर। देखो, कमरे में आना और फिर इत्मीनान से बात करते हैं। बातें तो अब ऐसी होंगी चांद बाबू कि तुम भी याद करोगे। जी मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा देखो, चांद के आदमी तुम्हें और स्वामी जी को जबरदस्ती पकड़कर
शादी के मंडप पर लाए थे हाँ। और उसके बाद तुम बेहोश हो गई हाँ। और फिर तुम्हारे बेहोश होने के बाद ये तो बेहोश हो गई अब शादी कैसे हो सकती शादी इसी हालत में होगी पंडित तुम मंत्र बोलो जल्दी बोलता हूँ अरे ये तो मर गया विधवा हो गई जब शादी नहीं हुई तो विधवा तुम्हें भी अपनी बीवी को विधवा बनाना क्या पंडित नहीं हो गई बिल्कुल विधवा हो गई जी मैं जाऊं अब बताओ तुमने मुझे पहचाना कि नहीं कहो हाँ हाँ पहचान लिया आप बता सकते हैं कि चांद कहाँ ठहरा है बता सकता हूँ होटल हाईवे इन में लेकिन आप लोग जरा होशियार रहेगा आपको शादी के बाद विधवा बना दिया कहीं इनको शादी के पहले ही विधवा न बना दे अच्छा नमस्ते मैं चलता हूँ नमस्ते तुम क्या सोच रहे हो निशा ये सब बकवास है तस्वीर किसी के साथ भी खिंचवाई जा सकती है अगर वो सब बकवास है तो फिर ये क्या है आंखें खोल कर देखो ज्ञान बाबू निशा ने बूढ़े सन्यासी तक को नहीं छोड़ा बाप के मरते ही जो लड़की उसके बेटे से शादी कर ले उस लड़की का कैरेक्टर क्या हो सकता है अगर और कुछ जानना चाहते हो तो हाईवे इन होटल में चले आना मैं वहीं ठहरा हूं मारने लेकिन अब इरादा बदल गया है इरादा क्यों बदल गया इसलिए कि जो हाथ दर्जनों बार तुम्हारे जिस्म से खेल चुके हैं शायद तुम्हारा खून ना कर सके तो अब फिर क्या इरादा है बस तुम्हारी तरह आजाद जिंदगी बिताने का और फिर ज्ञान बाबू शादी के उस साइन बोर्ड को भी आज ही उतार कर फेंक दिया है मैंने वेरी गुड तो चलो फिर रूम में बैठ के बातें होंगी हुँ? अच्छा तो अब भी दिलचस्पी है मुझ में बेहद नहीं 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 यहाँ नहीं रूम में कौन सा रूम है तुम्हारा 302 तुम चलो मैं अभी कपड़े बदल के आया 302 दफा 302 सजाए मौत पता नहीं कहाँ चले गए कितनी देर हो गई है मुझे तुम आ गए निशा ज्ञान क्या हो गया तुम्हें कहाँ है वो जलील औरत ज्ञान अपनी धर्मपत्नी के बारे में ऐसा कहना तुम्हें शोभा नहीं देता धर्मपत्नी धर्म और पत्नी दोनों के नाम पर एक बदनुमा दाग है वो जानती हो वो किसकी बेवा है जानती हूँ और ये भी और ये जानते हुए भी कि वो मेरे पिता की बेवा है तुमने उसकी शादी मुझसे करवाई नहीं ज्ञान नहीं मेरी शराफत मेरे जज्बात से हमदर्दी के नाम पर खेला तुमने अमृत के नाम पर जहर दिया मुझे ये जानते हुए भी कि निशा एक नागिन है उसे मेरी आस्तीन में पलने पर मजबूर किया ये तोहमत है मुझ पर निशा पूछ सकता हूँ किस नाम से बुलाऊं उसे बीवी या बस करो ज्ञान बस करो भगवान के लिए ऐसी बात भी मुंह से मत निकालो जिसे सुनकर धरती का सीना कांप उठे तुम भूल रहे हो इंसान चाहे कितना भी शैतान बन जाए भक्षा करते हैं मतलब उसका मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तुम्हें सुनना होगा निशा के संग तुम्हारे पिता की शादी कभी नहीं हुई थी वो एक चाल थी चांद की निशा को बदनाम करने के लिए अपने पाप को छुपाने के लिए मुझ पर विश्वास करो ज्ञान
वो शादी सिर्फ एक नाटक था। और उस नाटक की एक अहम कलाकार तुम थी, जिसने पहले मुझसे अपने प्यार का नाटक खेला और बाद में निशा जैसी धोखेबाज लड़की। तुम्हें धोखा हुआ है ज्ञान। निशा एक ऐसी मजबूर और अभागन औरत है जिसे कदम कदम पर ठोकरें मारी गई। उसकी बेबसी की शुरुआत मेरी माँ ने की, उसे जिल्लत के कुएं में ढकेला और फिर कुदरत ने एक अजीब मजाक किया उसके साथ। ये झूठ बकवास है। तुम मेरा विश्वास करो ज्ञान, ये सब सच है। और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो होटल हाईवे में जाकर सच्चाई जान सकते हो। वहाँ पे एक आदमी, मैं जानता हूँ वो आदमी कौन है। निशा जरूर उसी से मिलने गई होगी। सुनो ज्ञान, तुम्हें फिर गलतफहमी हो रही है। मैं कहता हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो। जिसे तुम मिल गए उसे और क्या चाहिए? कुछ तो नहीं ये लेना थे। निशा, आज तो तुम बड़ा सी हसीन लग रही हो। बिल्कुल उस नागिन की तरह ना, जिसका जहर जो जो बढ़ता है उतनी ही हसीन नजर आती है। लेकिन तुम नागिन की तरह जहरीली तो नहीं हो। ये कैसे जाना तुमने? अगर तुम नागिन होती तो मुझे उसी दिन ना डस लिया होता जब स्वामी जी मर गए और मैंने दुनिया के सामने तुम्हें उनकी बेवा बना दिया। और आज भी कुछ नहीं करूंगी, ये कैसे समझ लिया? आज तो तुम मेरे कलेजे से लगोगी मेरी जान। आज तो गिन गिन कर बदले लूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी तुम्हें। निशा, ये क्या बचपना, कहीं ऐसा ना मेरा हाथ तुम पे उठ जाए। आज तेरी नहीं मेरी बारी। ये पिस्तौल तुम्हारी जान भी ले सकती है। नहीं। लेकिन मैंने कहा था ना, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। आई एम सॉरी निशा। निशा निशा, मुझ पर रहम करो। निशा, तुमने रहम किया था मुझ पे, जो आज मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो। निशा, अब इससे मुझे हिसाब चुकाना है। Oh.